हम लोग बात कर रहे हैं आदम MBA सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। सो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था TQM क्या होता है, TQM को HRM के साथ में क्यों लिंकेज करना जरूरी है और उसके पीछे का क्या पर्पज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसके साथ में HRM को क्यों लिंकेज करना जरूरी है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है। देखो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सीधा सा होता है कि अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज होते हैं आप उसको कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हो, कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो, यही आपकी क्या होती है प्रोडक्टिविटी। लाइक अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो आपके पास में जो भी मैन मशीन मटेरियल मेथड मैन पावर और टूल्स इक्विपमेंट्स जो भी वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, सो यू हैव टू लाइक कि जितना भी आपके पास में रिसोर्सेज है, ठीक है, तो आप कितनी इफेक्टिवली तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, ठीक है। क्वालिटी के साथ में इफेक्टिव एंड इफिशियंसी के साथ में आपको काम करना होता है, ठीक है। तो उससे आपको क्या है कि लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना होता है कम से कम रिसोर्सेज में। कम आउटपुट डालो ज़्यादा क्या निकले, ज़्यादा कम इनपुट डालो और ज़्यादा क्या निकले, आउटपुट निकले, ठीक है। दैट इज़ योर कॉल्ड योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर इसका मतलब सीधा सा आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आप आउटपुट अपॉन इनपुट भी करते हो तो यही क्या होती है आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। आप कम प्रॉफिट में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट करो, ठीक है। जैसे क्या क्या हो कि सपोज दैट कि हर एक का मकसद यही होता है, अगर आपको प्रॉफिट भी अर्न करना होगा तो मतलब क्या है कि आप कम एफर्ट करो आपको क्या मिले, ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यही क्या होती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, जितने भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, लाइक आप कितना सामान प्रोड्यूस कर रहे हो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। आप कम से कम समय के अंदर कम से कम रिसोर्सेज के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वालिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। डैट इज़ कॉल योर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी सिंपली मीन्स कि द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स इम्प्लॉयज़ टू कन्वर्ट इनपुट्स, ठीक है, इन टू आउटपुट्स। लाइक कि आपके पास में जितने भी मैन मशीन मटेरियल मैथड कैपिटल्स रॉ मटेरियल जो कुछ भी वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इन टू आउटपुट, ठीक है, लाइक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। किस तरीके से आप इसको इफेक्टिव तरीके से आप कन्वर्ट कर पाते हो कम से कम चीज़ों में, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा प्रोडक्टिविटी क्या होती है एक्चुअल में। तो चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब HRM को प्रोडक्टिविटी के साथ में क्यों लिंकेज करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको सबको पता है जैसे कि जो भी HR इज़ ऑल अबाउट टू इफेक्ट कि मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ इफेक्टिव मैनर, ठीक है। कि जो HR का मतलब क्या होता है सीधा सा कि आपके पास में जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आपके पास में जितने भी वर्कर्स हैं, आप उसको किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप उनको सभी को यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। तो लिंकिंग HRM विथ प्रोडक्टिविटी इज दैट HRM प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। विच मीन्स क्या मतलब हुआ यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है कि जो भी HR की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, HRM की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यहाँ पर क्या लिखा होगी दैट HRM प्रैक्टिसेस, जो भी HRM की प्रैक्टिसेस होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और जो भी जिस भी तरीके से HR को डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या बढ़े, प्रोडक्टिविटी, यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट होगा, अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और आपका जो भी यू नो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रख पाओगे कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, कम से कम पेमेंट दे करके या फिर कम से कम चीज़ों को दे करके, ठीक है, आप उसकी पेमेंट कम रखो बट अगर आप उसको टारगेट के थ्रू इंसेंटिव्स वगैरह देते हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल लाइक कि अगर आपके इस तरीके से जो भी है कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ को तैयार करना कि आपका जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो खुश रहे, ठीक है, और आपकी कंपनी का भी नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि एम्प्लॉय को खुश करने के चक्कर में आप पूरी कंपनी लुटा दो, है ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है तो मान लो उसको आप सैलरी, मान लो अगर वो काम 10,000 का कर रहा है आप उसको क्या दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का कभी काम नहीं करना है, आपको कम से कम पेमेंट देनी है, जितना ज़्यादा कम से कम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेव कर सको, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आपका एम्प्लॉयज भी खुश रहे, एकदम सेटिस्फाइड है, ठीक है, अंदर से खुश रहे, ठीक है, ये भी चीज़
होनी चाहिए, ठीक है, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो होगी। तो एचआरएम लिंकेज का यही मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी को क्यों करना जरूरी, इसके साथ में लिंक क्यों करना, मर्ज क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि आप कम से कम चीज़ों में, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, और अगर आपके जो भी एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो नेक्स्ट में क्या है कि पर्पस क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि पर्पस क्या होता है कि हियर सम कुछ एक पर्पस लिखे हुए हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट फॉर्मेट में, लाइक यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या है कि दैट इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस थ्रू थ्रू देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय की अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ऐसा बिल्कुल भी आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं फील होना चाहिए। अगर आप एचआरएम में प्रोडक्टिविटी का यूज़ करो तो ऐसा आपका बिल्कुल भी, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। उनकी हम उनको हमेशा लगना चाहिए कि हाँ आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको ट्रेनिंग नहीं दो, उनका डेवलपमेंट नहीं करो, केवल आप उनसे काम करवाते रहो, ठीक है। तो उनके ट्रेनिंग के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देन आपका सेकंड आता है कि क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट। जो एचआर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के ऊपर चढ़ा जा रहा है, इस तरीके का बिल्कुल भी माहौल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती, कम होती, टीम वर्क होना चाहिए। देन आपका थर्ड नंबर पर क्या है कि रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। एचआरएम प्रैक्टिसेस के अंदर अगर आप प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप रिवॉर्ड्स देते हो, ठीक है, अगर जो भी आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सबको इक्वल तरीके से रख दो, जो अच्छा करे उसको आपको क्या देना चाहिए, उसको प्रमोशन दो, उसको रिवॉर्ड दो, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, उसको घुमाने के लिए भेजो। तो ये सारी चीज़ें जो भी होने चाहिए, गिफ्ट होने चाहिए, वो अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ के लिए होने चाहिए, जिससे कि दूसरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो देख करके मोटिवेट हों कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूँगा, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द डे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दो, ठीक है, या फिर उसको एक महीने में क्या करो, छुट्टी दे दो कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवॉर्ड का भी सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेटेड बना रहे और आगे भी वो काम करता रहे, ठीक है, और दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हो। देन फोर्थ नंबर में क्या है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो एचआरएम के अंदर, तो आपको मोटिवेट एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। देन आपका फिफ्थ नंबर में क्या है कि अलाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने गोल्स को देखो और ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करके रखो, लाइक उनके ऊपर फोकस्ड रहो। देन सिक्स नंबर पर क्या है कि डेवलप आर ट्रेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज, ठीक है, डेवलप जो भी आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को क्या करो, डेवलप, लाइक उनको करते रहो, उनको सस्टेन बना करके रखो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आपकी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी दूसरी जगह, अगर उनको आप 50,000 दे दो तो उनको कहीं 70-80,000 रुपये मिल गए तो बस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके भाग जाए। तो अपने उन सभी एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना, ठीक है, उनको अपनी कंपनी के अंदर आपको सस्टेन, लाइक एक तरीके से नहीं कि उनको रोक करके रखना, ठीक है, वो दूसरी कंपनी को, आपकी कंपनी को छोड़ करके ना जाए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज इनोवेशन एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आपको एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है तो आपको इनोवेशन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। ऐसा टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसके साथ ही साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेंड करना पड़ेगा। खुद भी ट्रेंड हो, अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेंड करो, ठीक है। देन नंबर एट पे क्या है, इनहेंस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ में मिल करके, ये सारे कुछ एक पर्पज़ होते हैं, काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक पर्पज़ हैं प्रोडक्टिविटी को एचआरएम के साथ में लिंक करने के, ठीक है, सपोर्ट वर्क लाइक बैलेंस, ठीक है, और यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो ये कुछ यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पीडीएफ जो है उसको लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक पर्पस लिखे हुए हैं कि क्यों एचआर को हम प्रोडक्टिविटी के साथ में लिंक करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लिंकिंग एचआरएम विद प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी को एचआरएम के साथ में लिंक करना क्यों जरूरी, इसके पीछे का क्या पर्पस होता है, 10 पॉइंट्स लिखें।
तो दोस्तों अभी से हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म होता है। अब यूनिट सेकंड के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड के ऊपर, ठीक है, जिसमें एचआर प्लानिंग एंड एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब एनालिसिस क्या होता है, आगे की चीज़ों को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा, PDF चाहिए तो व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथ ही साथ में दोस्तों को, अपने जो भी आपके स्कूल के कॉलेजेस के ग्रुप हों उन सभी को शेयर करो, जिससे उनका भी बेनिफिट हो, मेरा भी बेनिफिट हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप खुद देख करके चलो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।